हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गुड साइट्स क्या हैं पीडब्ल्यूडी जॉब की। तो डिपार्टमेंट आपका अच्छा है, आपने सुना है काफ़ी डिपार्टमेंट के बारे में, कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता भी हैं, कुछ हाइक्स जो बने हुए हैं और कुछ रियलिटी जो है वो अलग होती है वहाँ से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गुड साइट की। बैड साइट की बात दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज ही मोटिवेट कर दूंगा, आज ही डीमोटिवेट कर दूंगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो आज आपको मोटिवेट किया जाएगा, अच्छी बातें बताई जाएंगी क्या क्या आपकी जॉब में रहने वाली हैं। सबसे पहली बात जो है रेस्पेक्ट, पहला पॉइंट आपका कि रेस्पेक्टेड जॉब है, सोसाइटी में वैल्यू है काफ़ी पीडब्ल्यूडी के जॉब की और सभी आपको इज्जत देंगे। अगर आपकी उनको पता लगता है कि भाई आप पीडब्ल्यूडी में हैं तो काफ़ी तारीफ करेंगे, ठीक है। तो रेस्पेक्ट आपको पूरी मिलेगी, आपका जो डिपार्टमेंट है वो वैल्यूएबल डिपार्टमेंट है, बाकी में हो सकता है उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। जैसे WRD हो गया तो छोटा डिपार्टमेंट है, उतना कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है उसकी, लेकिन PhD है, PWD है, ये सब इम्पोर्टेंट है और इसमें भी PWD सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों है, ठीक है, क्योंकि काम ही हमारे ऐसे हैं कि इम्पोर्टेंट होता है डिपार्टमेंट। दूसरा है आपका वैल्यू, सोसाइटी आपकी वैल्यू करती है, वैल्यू आपके डिपार्टमेंट की करेगी, आपकी पोस्ट की करेगी, आपकी करेगी, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का जो काम है वो इम्पोर्टेंट है। कैसे है देखिए, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक फंक्शन था, राजीव गांधी ओलंपिक जो थे, ग्रामीण ओलंपिक, उसका एक जगह पे प्रोग्राम था, उसका अरेंजमेंट चल रहा था, तो उसमें हमारी ड्यूटी लगाई थी PWD की और उसमें हम भी काफ़ी सारे JN AN सब गए थे, XN। तो वहाँ पे हुआ ये कि मेरी जो ड्यूटी है, जैसे 3 JN हम थे तो वहाँ पे एक की लगा दी रोड पे सफाई कराने में, यानी कि क्लियरेंस में, तो वो लगा दिया एक को लगा दिया पैच करवाने में जो रोड ख़राब था। तो वहाँ से एक जो चीफ गेस्ट हमारे आने वाले थे, इसलिए उसमें रोड में पैच करवाना था, तो वो काम दे दिया एक को। और तीसरा जो JN था, यानी कि मैं, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप स्टेज पर चल जाइए और स्टेज लगवाइए, ठीक है, जो मेन मंच होता है जहाँ से भाषण दिया जाता है, जहाँ पे सब बैठते हैं वो। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में हुआ ये कि मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, जैसे पहले तो SDM थे वहाँ पे, तहसीलदार थे, BDO थे और बाद में DM सर भी आए थे कुछ देर देखने के लिए, तो उन्होंने भी गाइड किया था। तो वहाँ पे ये सब थे, हम भी थे PWD से, क्योंकि ड्यूटी लगती है PWD की, ज़रूरी है वहाँ पे हर पर्सन का होना। तो वहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे उनको कि किस तरह से स्टेज लगाना है, कहाँ पे क्या बारीकियाँ देखनी है, ठीक है, मंच हिलानी चाहिए, कुर्सियाँ कहाँ से लगानी है, सोफ़ा कैसे लगेगा, उस पर क्या बिछेगा ऊपर, वो सारी चीज़ें जो बेसिक होती है मंच में, वो हम डिस्कस कर रहे थे और मैं भी गाइड कर रहा था। तो वहाँ पे SDM भी खड़े थे, वो भी कुछ गाइड कर रहे थे उनको। तो फिर थोड़ी देर बाद उनकी नज़र मुझ पर गई, तो मैं कुछ बता रहा था टीम को, उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं। तो मैंने कहा सर मैं PWD से हूँ और मंच के जो लगाने की ड्यूटी है वो मुझे दी है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छी बात है। तो इस तरह से देखिए SDM है, बड़ी चीज़ होती है SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो बाद में प्रमोट होकर DM बन जाते हैं और वो भी आपको वैल्यू करते हैं आपकी पोस्ट की, आपके डिपार्टमेंट की, वरना अगर ऐसे हर कोई वहाँ पे जा नहीं सकता है, SDM है वो डांट मार के भगा देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा है, आपकी वैल्यू होती है, आपको पूछा भी जाता है। जैसे BDO है तो उन्होंने भी बोला कि जयन साहब देख लो सब ठीक है ना, तो उनको ये बोला था कि भाई मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे स्टेज के लिए, तो उन्होंने फिर बोला कि देख लो सब कुछ सही है ना, आप एक बार संतुष्ट हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल सही है, हम मिलकर ही कर रहे हैं सब कुछ। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलती है, ठीक है, चाहे सामने कोई भी हो। और जब आपकी मीटिंग होगी, जनसुनवाई होगी, तो आप बिल्कुल बराबर में बैठते हैं, SDM है, तहसीलदार है, ये सब जो है वो आपके बराबर में बैठेंगे, आपकी वैल्यू होती है। आप JN हैं लेकिन तो भी आप काफ़ी जगह पे AN को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी जगह उनकी जगह जाते हैं काफ़ी बार, तो वहाँ पे आपको पूरी रेस्पेक्ट मिलती है, वही जो असिस्टेंट इंजीनियर को मिलती है वैसे ही, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तीसरा आता है लिंक, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे अच्छे, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो काफ़ी हाई लेवल होते हैं और जो भी कोई छोटे ठेकेदार हो गए, बड़े ठेकेदार हो गए, ठीक है, और भी जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में भी अगर अदर कोई है, जैसे कोई पुलिस में हो गया, क्योंकि आपके इन सबसे काम पड़ते रहेंगे, आपके रोड पे कोई अगर कोई विवाद चल रहा है तो आपको वहाँ पे तहसीलदार से मिलने जाना पड़ सकता है, SDM से मिलने जाना पड़ सकता है, क्योंकि फिर वहाँ पे वो साइट पे आते हैं और पुलिस के लिए आपको लिखना पड़ता है कि आपको पुलिस जाप्ता चाहिए 10-15-20 लोगों का जितना भी है, तो वहाँ आपके थाना अधिकारी जो होंगे उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये इन सबसे मिलना जुलना होता रहेगा लगभग हर बार, तो काफ़ी आपकी जान पहचान वहाँ पे बन जाएगी। तो लोकल जॉब होने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो जानकारी बनती है वो लोकल बनती है, जैसे हमारी बन रही है, तो हमारे आसपास के लोग ही हमें मिल जाते हैं। कल भी जैसे हम बैठे थे पेज करवाने के लिए ठेकेदार के साथ में, तो वहाँ पे भी कुछ लोग आए थे और उनमें से 2 लोग मेरे जानकार निकले, ठीक है। तो ऐसा है, लोकल में ये फ़ायदा होता है कि आपको रिलेटिव्स मिल जाते हैं, जानकार मिल जाते हैं।
तो जो भी आपका सर्कल बनेगा वो अच्छा रहेगा, काफ़ी काम आएगा। अगर आप अपना घर भी बनवाते हैं तो आपके बाद में ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो लिंक आपके अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल कंडीशन, जिसके बारे में तो सभी जानते ही हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये आप जानते ही हैं अच्छे से, इसमें बड़ा बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टेटस आप अच्छा मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। रिटायरमेंट तक आप अच्छा खासा स्टेटस मेंटेन कर पाएंगे। आप देख लीजिए पिछला जो भी कोई अगर है PWD में जूनियर इंजीनियर जिससे शुरू किया हो, तो वो भी एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है और फाइनेंशियली भी काफ़ी सही जगह पे वो होता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको ये जो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम के, कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, जैसे RGHS है, राजीव गांधी हेल्थ स्कीम, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं फैसिलिटी। अगर आप एक्सीडेंट बन जाते हो तो आपको सरकारी एक गाड़ी मिलती है जो आप ऑफिस के काम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि अगर साइट पे जाना है तो ठेकेदार वगैरह जो है गाड़ी दे देते हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और लिंक बन जाते हैं तो आपके काम भी हो जाते हैं, अगर कोई अदर आपको काम पड़ता है तो आप वहाँ से काम करवा सकते हैं, तो ये सब अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट आता है नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो आपको डे टू डे लाइफ में भी काम आती है। अगर आपका घर बना रहे हैं, जो कि हर कोई बनाता ही है लाइफ में एक बार तो बनाता ही है कम से कम, तो वहाँ पे अब आप खुद PWD के इंजीनियर हैं, आपने बिल्डिंगें बनवाई हैं सैकड़ों, रोड बनवाए हैं कितने सारे, तो बिल्डिंग में आप एक्सपर्ट हैं। आप अपना घर बनवाएंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ की जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें काम आती हैं। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सा मटेरियल ख़राब लगा रहा है, किस तरह से काम करना है नहीं करना है, ये है। अब जैसे WRD है तो वहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, ना आपके घर में नहर बहती है, ना आपके घर में डैम है, कुछ नहीं है, ठीक है। PHED है तो वहाँ पे पाइप का कनेक्शन है, वो आपके घर घर पे आप करवाते हो, तो लाइफ में एक बार ही करवाओगे कनेक्शन, तो बार बार तो करवाओगे नहीं। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आपको ज़्यादा काम आएंगी, लेकिन PWD है वो काम आएगा। अगर आपको मेंटेनेंस करवाना है घर का, रिपेयर मेंटेनेंस, कौन सा पेंट लगेगा, किसकी क्या रेट चल रही है, सीमेंट की क्या रेट चल रही है, बजरी की क्या रेट है, रोड की क्या रेट है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सी कंपनी का अच्छा होता है, कौन सी कंपनी का स्टील ख़राब होता है, ये सारी चीज़ें आपको डे टू डे लाइफ में काम आएंगी, राइट। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है, काम आती है आपकी डे टू डे लाइफ में। और आफ्टर जॉब, इसमें अगर आप जैसे जॉब से रिटायर हो जाते हैं उसके बाद काम करना चाहते हैं, या फिर एक हाइपोथेटिकल केस ये है कि अगर आप बीच में आपकी मान लो जॉब आपने छोड़ दी या छूट गई, जैसे भी है, जो भी हो सकता है, तो ये है कि आप चिंता करने की बात नहीं कि आप क्या करें। जैसे बाकी जॉब में होता है कि अगर आपने जॉब आपकी चली गई किसी रीज़न से, मान लीजिए कि 10-15 साल बाद ही आपकी जॉब चली जाती है किसी रीज़न से, ऐसा होगा नहीं वैसे, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं होता है बाकी जॉब में कि आप क्या करेंगे। अगर कोई बैंक में है, लगा हुआ है सरकारी और अच्छी पोस्ट पे है, तो अब जैसे ही वो प्राइवेट जाएगा तो फिर उसको कम पे काम करना पड़ेगा। लेकिन आप जब PWD के इंजीनियर की तरह जब आप जॉब छोड़ेंगे, जब भी रिटायरमेंट के बाद में या पहले, तो प्राइवेट कंपनियां खड़ी होंगी आपके सामने आपको लेने के लिए, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आपके पास में ये कभी भी डर मत रखना मन में कि अगर ये जॉब नहीं रही तो मैं क्या करूँगा, बहुत कुछ है करने को। आप अपने जो है नक्शे बनाते हैं, जो आप काफ़ी देखो काफ़ी लोग आपके जो प्लान होते हैं घर के वो बनाते हैं, उनका बिजनेस होता है, आप खुद का सेटअप होता है, पूरा टीम होती है बाकायदा, तो वो आप कर सकते हैं। आप एस्टिमेशन वैल्यूएशन कर सकते हैं बैंक के लिए, फाइनेंस वालों के लिए जो लोन देते हैं, उनको ज़रूरत होती है एक वैल्यूएशन क्रिएट करने वाले की, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब का सर्टिफिकेट लगता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आप होने चाहिए पहले, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट कंपनियाँ ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा पैकेज देंगी आपकी नॉलेज के लिए, और आपका नाम है PWD का तो उसके लिए भी आपको देंगे पैसा, ठीक है। तो ये चिंता की बात नहीं है कि हम और क्या करेंगे अगर ये नहीं रहा तो। इसके अलावा बहुत ऑप्शन है, आपका जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल है बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है उसमें जा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, तो कैसे भी जा सकते हैं आप, अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेंशन, तो पेंशन अब शुरू हो गई है, तो पेंशन का लाभ भी आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में। आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, वैसे तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बात तक तो, लेकिन आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिटायरमेंट के बाद में पैसा मिलता है, आप आराम से घूमी फिरी, जितना बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है 40-50 हज़ार, इतना आपको ईजिली मिल जाएगा, इससे ज़्यादा ही मिल जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और एक जो फैक्टर है वो है कि आपकी शादी अच्छी हो जाती है, अच्छी जॉब में आप करते हैं तो अच्छी आपकी शादी हो जाती है। अगर कोई जॉब वाले से शादी करना चाहते हैं तो उनको जॉब वाले मिल जाते हैं, जैसा भी जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, पसंद है उसके अकॉर्डिंग। तो जॉब मैटर करती है कि आप क्या जॉब करते हैं, स्पेशली बॉयज़ के लिए, उनके लिए तो मैटर करता ही है कि आपकी नौकरी क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितना कमाते हैं, ये सब चीज़ें देख के ही शादी होती है। तो PWD में आ गए तो अच्छी आपकी मैरिज जो है वो हो जाती है, अच्छी फैमिली मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड्स थी जो मेरे दिमाग में आई, तो मैंने आपको बता दी।
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या बुरा है, यानी कि डार्क साइड ऑफ PWD। हर सब जगह कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। ब्लैक और वाइट नहीं होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। हमेशा कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा भी होगा, जैसे कि इस जॉब में है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, बुरा नहीं है, बुरा भी बहुत कुछ है। और काफ़ी लोग हैं जो हमने देखे हैं, सुना है उनके बारे में कि ऐसा ऐसा मेडिकल केसेस हुए हैं, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।